नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाए हैं, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे की आवश्यकता है और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। चूँकि ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से पड़ रहा है, तो या तो हम बॉर्डर का ही एक और लाइन बना लेंगे, या फिर पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो हम रॉन्ग साइड से में आ जाएंगे और हमारा ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होगा। तो 3 फंदे हम अपने प्राइमरी कलर से उल्टा बना लेंगे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। इन्हीं चारों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा और 1 फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया है और लास्ट में भी 3 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे आए हैं। और अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन और फ्रंट साइड। अब हम 3 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बुनेंगे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 3 फंदे प्राइमरी कलर से सीधा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुनते हुए पूरी लाइन दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है और लास्ट में भी 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा आएगा। थर्ड रो और फ्रंट रॉन्ग साइड। अब कि हम तीसरे लाइन में पहले लाइन को ही दोहराएंगे, यानी 3 फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह ही बुना जाएगा। फोर्थ रो और फ्रंट साइड। ये हमारा मेन लाइन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 3 फंदा सीधा बुन लेंगे प्राइमरी कलर से और फिर सेकेंडरी कलर वाले उनको आगे करेंगे और बैक साइड से हम देखिए ये 3 लाइन बनाए हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाले लाइन में, यानी फर्स्ट रो में, हम ऐसे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, फिर उनको सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर बैक साइड से एक और लूप निकालेंगे। यहाँ हमने 3 लूप निकाल लिया। उसके बाद इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और ये तीनों फंदे जो हमने एक बनाए हैं उसको इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे और फिर 3 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे, फिर हम बैक साइड से 4 लाइन, ये 3 लाइन नीचे आएंगे, सिलाई डालेंगे और अपने सेकेंडरी कलर से एक लूप निकालेंगे। अब उन सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और फिर इसी जगह से एक और लूप। उसके बाद ये हमारा जो चौथा फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे और इन तीनों फंदों को हमने जो लूप निकाले हैं इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे और फिर 3 फंदे जो प्राइमरी कलर से बुने गए हैं उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिएगा, हम बैक साइड से और सेकेंडरी कलर वाले उनसे एक लूप निकालेंगे, फिर उनको सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे बैक साइड से और एक और लूप निकालेंगे। अब इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और इन तीनों फंदों को जो हमने अभी लूप निकाला है उसे उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे और फिर 3 बुने हुए फंदे प्राइमरी कलर वाले वो हम सीधा बुन लेंगे प्राइमरी कलर से। फिर से देखिए, बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे। ये हमने 3 लाइन बुनाई की है, तो पहले वाले लाइन में ऐसे सिलाई डालेंगे और सेकेंडरी कलर से एक
लूप निकाल लेंगे, फिर पूर्ण सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और फिर इसी जगह से बैक साइड से एक और लूप। तीन लूप हमने तीन बना लिया। फिर अब इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और इन तीनों फंदों को उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे और तीन बुने हुए प्राइमरी कलर वाले फंदे वो हम सीधा बुनेंगे। और अब उन दूसरी ओर कर लेंगे और तीन प्राइमरी कलर के फंदे उन्हें हम सीधा बुनेंगे और अब सभी फंदे प्राइमरी कलर के उनसे उल्टे। ये हमारा पांचवा लाइन है, इसमें हम सभी फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। और सिक्स्थ रो और फ्रंट साइड सभी फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बुन लिए जाएंगे। सेवेंथ रो और रॉन्ग साइड, यहाँ पे हम अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब पहला फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एट्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो और रॉन्ग साइड, नाइन्थ रो में सेवेंथ रो को ही दोहराया जाएगा, यानी एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, सॉरी उल्टा, और दूसरा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे और चौथा फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो और फ्रंट साइड, अब फिर यह हमारा मेन कलर है, तो पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे और सेकेंडरी कलर वाले उनको आगे लाएंगे और तीन लाइन नीचे सिलाई डालेंगे, बैक साइड से एक लूप निकालेंगे और फिर उन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर यहीं से एक और लूप। और फिर दूसरे वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और इन तीनों लूपों को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर वाले सीधे बुन लेंगे। अब फिर हम पीछे से सिलाई डालेंगे, तीन लाइन नीचे सेकेंडरी कलर वाले उनसे एक लूप निकालेंगे, उन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर यहीं से एक और लूप। और फिर सेकेंडरी उल्टा बुन लेंगे और तीनों फंदों को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर वाले उसे हम सीधा बुन लेंगे, तीन लाइन नीचे ऐसे डालेंगे, एक सेकेंडरी कलर से एक लूप निकालेंगे, उन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी जगह से एक और लूप। फिर उस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, तीनों लूपों को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, तीन फंदे जो सेकंड
प्राइमरी कलर से दिख रहे हैं उसे हम सीधा बोलेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उनको दूसरी तरफ कर देंगे और लास्ट फंदा इसे प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे। और फिर अब सभी फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे। तो फ्रेंड्स, 10 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 10 लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।